साथियों, कर्क राशि के जातकों की तीन सबसे बड़ी विशेषताएं होती है कि एक तो वो कफ प्रधान जातक होते हैं। कफ प्रधान होने के कारण मस्तिष्क से, श्वसन तंत्र से संबंधित समस्याएं उनको रहती है। कफ प्रधान के कारण उनको माइग्रेन या साइनस की समस्या रहती है। ऐसे जो जातक हैं रात्रि में जागरण पसंद करते हैं, दिन में वो लेट उठना पसंद करते हैं क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव उन पर बहुत ज्यादा होता है। और एक सबसे बड़ी इनकी विशेषता है कि ये संकोची प्रवृत्ति के होते हैं, अपने दिल की बात सही होने पर भी स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हर एक राशि के व्यक्तित्व के बारे में हम विशद चर्चा कर रहे हैं, परंतु वो चर्चा सार गर्भित है। और आज कर्क राशि के जो जातक हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनके व्यक्तित्व की ऐसी कौन सी मूलभूत विशेषताएं हैं जो दूसरे राशियों से उनको अलग करती है। तीन राशियों पर हम चर्चा कर चुके हैं और आज बारी है कर्क राशि के जातकों के बारे में चर्चा करने की। यदि आप स्वयं कर्क राशि के हैं या आप जानना चाहते हैं कि कर्क राशि के जो जातक हैं वो कैसे होते हैं, तो आज के जो पॉइंट्स हैं वो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएगा। साथियों, सबसे पहली बात कि ये जो जातक हैं ये जल तत्व प्रधान है क्योंकि कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा, और जल तत्व की प्रधानता होने के कारण इनमें कफ की अधिकता होती है। कफ की अधिकता होने के कारण माइग्रेन, साइनस, मस्तिष्क, इन सबसे संबंधित इनको विकार होता है। तनाव ये कई बार जरूरत से ज्यादा ले लेते हैं। हालांकि इनकी जो तरक्की है ये ऐसे स्थान पर होती है, ऐसे शहर में होती है, ऐसे देश में होती है जो कि समुद्र के किनारे या जल तत्व की प्रधानता वाले होते हैं। साथियों, ऐसे जो जातक हैं ये रात्रि में जागरण पसंद करते हैं। रात्रि में जागरण ये इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि चंद्रमा रात्रि में ही निकलता है और ये रात्रि में जागते हैं। दिन में ये बहुत लेट उठना, जैसे कि 10 या 11 बजे के पश्चात ये उठते हैं और अपनी जो दिनचर्या है उसको बहुत ही लेट प्रारंभ करने के कारण, हालांकि ये स्मार्ट होते हैं तो स्मार्ट होने के कारण ये लेट उठने के बावजूद भी अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छे से बिता लेते हैं। शीतलता प्रधान होते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं उसको ठंडे दिमाग से लेते हैं। भौतिक सुखों को ये सदैव प्रधानता देते हैं। ये चाहते हैं कि जीवन में इनके जितने भी भौतिक संसाधन है वो सुनिश्चित रूप से जीवन में हो ही हो, ये कभी भी भौतिक संसाधनों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हालांकि संकोची प्रवृत्ति के होते हैं, लज्जाशील होते हैं, शर्मीले होते हैं, कहीं पर मेहमान बनकर के जाते भी हैं तो अक्सर ये भूखे रह जाते हैं, अक्सर अपनी आवश्यकता की वस्तु भी ये मांग नहीं पाते संकोची प्रवृत्ति होने के कारण। समय के इतने पाबंद होते हैं क्योंकि ये स्वयं अनुशासित होते हैं और किसी को भी ये अनुशासनहीनता करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। यदि किसी को इन्होंने 5 बजे मिलने का समय दिया है तो 5 बजकर के यदि 5 मिनट हो गए तो या तो ये वहां से बिना कहे रवाना हो जाएंगे या फिर उसको फोन पर फोन करना प्रारंभ कर देंगे। इनके जीवन का एक सिद्धांत है कि ये कर्म को ही पूजा मानते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, असंभव को भी अपने पुरुषार्थ के बल पर ये संभव कर पाते हैं। साथियों, चाहे इनके स्कूल के दिनों की बात करें, विश्वविद्यालय के दिनों की बात करें, ये अपने गुरु के बहुत प्रिय होते हैं और बाकी जितने भी शिष्य हैं, जितने दूसरे इनके विद्यार्थी हैं, इनकी क्लास के दूसरे जो बच्चे हैं वो इनसे इसी बात की जलन रखते हैं कि ये जो टीचर है ये इससे तो बड़ा प्रेम करते हैं, इसका तो बड़ा फेवर करते हैं और हमें तो ये ध्यान ही नहीं देते। और ऐसे ही जब ये नौकरी में आ जाते हैं तब भी ये अपने बॉस के खास बने रहते हैं। यदि इनके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो छरहरा बदन इनका होता है, ना बहुत ज्यादा ये मोटे होते हैं ना बिल्कुल एकदम
सूख कर कांटा हो जाते हैं, बल्कि एक छरहरा एक आकर्षक बदन इनका रहता है। साथियों, इनके व्यक्तित्व की एक अगली विशेषता है कि ये मास्टर ऑफ नन और जैक ऑफ ऑल होते हैं, मतलब ये हर फन मौला होते हैं। हर एक विषय का इनको थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर होता है, विशेषज्ञता हालांकि ये किसी में भी प्राप्त नहीं करते। अलग अलग देशों में जाना, नए नए लोगों से बातचीत करना, नई चीजें सीखना, नई भाषाएं सीखना, कहने का अर्थ यह है कि ये पर्यटन के बिना जीवित नहीं रह सकते। क्रोध या तो ये करेंगे ही नहीं, कंट्रोल कर लेंगे, और यदि क्रोध इनको आ गया तब फिर ये चीजों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देंगे। अर्थात जब तक ठीक है तब तक ठीक है, परंतु नहीं तो इनके क्रोध का सामना करना बिल्कुल भी एक आम बात नहीं होती। साथियों, इनका कोई ना कोई एक मित्र ऐसा जरूर होता है जिससे कि ये अपने दिल की बात जरूर शेयर करते हैं। हर अच्छी या बुरी, खट्टी या मीठी घटना उसके साथ में शेयर जरूर करते हैं। क्योंकि ये अंतर्मुखी होते हैं इसलिए बहुत ज्यादा दोस्त बनाने ये पसंद नहीं करते हैं। यदि ये महिला जातक है और किसी कारणवश यदि इनको करियर बनाने का मौका नहीं मिलता है तो इनके दिल में एक टीस सदैव रहती है। ये किसी ना किसी माध्यम से ये प्रयास जरूर करती हैं कि कैसे भी करके ये अपने पैरों पर खड़े हो जाए। चाहे इनके पति इनको पर्याप्त पैसा दे रहे हैं, फिर भी ये अपने पैरों पर खड़े होना, अपने आप को सिद्ध करना ज्यादा पसंद करती है। तो साथियों, ये था कर्क राशि को लेकर के एक संक्षिप्त परंतु सारगर्भित एपिसोड, और इसी प्रकार से ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी है। यदि आप भी अपनी राशि या अपने जीवन साथी की राशि या किसी की भी राशि के बारे में मूलभूत विशेषताएं जानना चाहते हैं तो आगे के एपिसोड आप जरूर देखिएगा, या फिर हम यहाँ पर आपको आई बटन का जो लिंक है वो प्रोवाइड करा देंगे ताकि जाकर के आप अपनी राशि से संबंधित एपिसोड जरूर देख सकें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।